हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। आर्यम और जिन की शादी होने वाले है। आर्यम के छोटे भाई है त्यांग। आर्यम कहता है त्यांग आने वाले है, वो मेरी शादी की सारी तैयारियाँ कर लेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। जिन कहता है वो कब आने वाले है, और मैंने भी जनकुक से कह दिया था उसको यहाँ पर आने के लिए। अच्छा ही होगा, वो दोनों अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें शादी के लिए इतना प्रेशर नहीं होना पड़ेगा। ऐसे भी हमारे पास उन दोनों के अलावा है ही कौन। आर्यम कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक जनकुक आया क्यों नहीं जिन। जिन कहता है लेकिन त्यांग भी तो नहीं आया आर्यम, तुम त्यांग को कॉल क्यों नहीं करते हो। जिमी ना चाहते और कहते हैं त्यांग तो आ भी चुके हैं और वो शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं, और आप लोग उसको ढूंढ रहे हो। वो आ गए हैं, आप लोग को किसी ने कहा नहीं है क्या। आर्यम कहता है क्या त्यांग आ गए हैं तो मुझसे क्यों नहीं मिला। जिमिन कहता है वो कैसे मिलते, जैसे वो यहाँ पर आए ना वो शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। अजिन कहता है जिमिन तुम त्यांग के बारे में जब भी बातें करते हो ना तुम्हारे फेस पर एक अचानक ही रौनक आ जाते हैं, क्या तुम त्यांग को पसंद करते हो। जिमिन मुस्कुराकर कहता है ये आपने क्या पूछ लिया ह्यूम, आप ना सबके सामने ऐसे क्वेश्चन मत क्या करें। ऐसे भी त्यांग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरा सोलमेट है। तो आर्यम कहता है त्यांग और वो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, त्यांग जिमिन को दोस्त के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। जिन तुम ये सब कुछ मत सोचो, और ऐसे भी जिमिन भी त्यांग को सिर्फ दोस्त ही मानते हैं। क्यों जिमिन। जिमिन की फेस बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, वो थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है आपने सही कहा ही हो, और वो यहाँ से चले जाते हैं। जिन कहता है आर्यम तुम क्या करते हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है जिमिन त्यांग को पसंद करते हैं। आर्यम कहता है लेकिन वो भी तो वही कहा ना जो मैंने कहा, तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जिन कहता है वो हमसे नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि त्यांग ने कभी भी जिमिन को उस तरह से देखा ही नहीं, शायद इसलिए वो खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन मैं जिमिन की आंखों पर त्यांग के लिए प्यार देख सकता हूँ आर्यम, और तुम कब समझोगे। आर्यम कहता है लेकिन मैं त्यांग पर फोर्स नहीं कर सकता हूँ, उसका अगर कोई और पसंद आ जाएगा तो मैं उसके साथ उसकी शादी करा दूंगा, जैसे कि मुझे जनकुक बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ जैसे कि तुमने और मैंने शादी किया है वैसे ही हम दोनों की छोटे भाई अगर साथ में शादी कर लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। जिन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन जनकुक बहुत ही अलग है त्यांग की नेचर से, त्यांग बहुत ही शांत स्वभाव का है और जनकुक एक नंबर का शैतान है, क्या वो दोनों साथ में रह पाएगा। और जितना मैं जानता हूँ जिमिन त्यांग को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है, मुझे नहीं लगता है कि जनकुक और त्यांग साथ में रह पाएंगे, तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो आर्यम कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी और मेरी शादी है तुम भूल मत जाना, वो तो अच्छा हुआ कि वो दोनों आ गए, क्या जनकुक आ गए या नहीं, या फिर वो भी आकर बाहर काम करना शुरू कर दिया और त्यांग से पहले ही मिल चुके होंगे। जिन कहता है क्या पता मैं नहीं जानता हो सकता है, लेकिन जनकुक का कोई भरोसा नहीं है, वो अभी तक सो रहा होगा, वो मेरी शादी की तैयारियां करने के लिए इतनी जल्दी थोड़ी आने वाले हैं, वो अपनी ह्यूम की शादी को छोड़कर उसकी सोने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा होगा। लेकिन जनकुक तो बाहर त्यांग को देखकर वहीं पर ही रुक गया, वो अभी भी आया था और त्यांग को देखकर यहाँ पर ही रुक के उसको देखते रह गया। जिमिन यहाँ पर जनकुक को देखकर उसको कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किससे मिलने के लिए आए हो। जनकुक जिमिन से कहता है मैं यहाँ पर किससे मिलने के लिए आया हूँ क्या मतलब, ये मेरी ह्यूम की घर है और मैं उनकी शादी की तैयारियों में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। जिमिन मुस्कुराकर कहता है क्या मजाक है, मैंने जितना देखा है कि तुम अभी अभी आए हो और तुमने शादी की तैयारियाँ कर रहे हो, ये कैसी बात है, झूठ मत कहो, कौन हो तुम, कौन सी इरादों से यहाँ पर आए हो और तुम मेरे त्यांग को क्यों घूरे जा रहे हो। जनकुक कहता है क्या तुम्हारा त्यांग, ये त्यांग कौन है, तुम किसकी बातें कर रहे हो। जिमिन कहता है वो रहा त्यांग मेरा सोलमेट, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिमिन झूठ बोलता है जनकुक से। जनकुक सुनकर कहता है तो इसे मैं क्या करूँ, ऐसे भी वो तो वैम्पायर लगता है, वैम्पायर जैसे शक्ल है उसकी, मुझे तो लगता है वो सच में लोगों के खून पीता है, कहीं तुम्हारा खून तो नहीं पी लिया है ना, और तुम्हारा नाम क्या है। जिमिन कहता है जिमिन। जिमिन की नाम सुनकर जनकुक मुस्कुराकर कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा,
तो वो और तुम साथ में डेट कर रहे हो कब से? तो जिमिन कहता है, बहुत सालों से, हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं और हम दोनों लिविंग में रहते हैं। जनको कहता है, इसका मतलब मेरा चांस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा। मैं जब भी किसी चीज़ को पसंद करता हूँ ना, मैं अपना बनाकर ही रहता हूँ। और इस वैम्पायर को देखने के बाद मुझे इससे मोहब्बत हो गया है, तो अब मैं इसको अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। हाँ ठीक है, वो उसके साथ डेट कर रहे हैं, लिविंग में रहे, तो मैं क्या करूँ? जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे त्यांग को घूरे क्यों जा रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं? त्यांग आ जाता है, कहता है, जिमिन मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प करो। जिमिन कहता है, हाँ त्यांग चलो चलते हैं। लेकिन त्यांग जनको को देख कर कहता है, ये कौन है? जनको कहता है, हाय मैं हूँ जियोन जनको, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। त्यांग, क्या तुम्हारा नाम त्यांग है ना? त्यांग कहता है, हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? जिमिन कहता है, वो मैंने उससे कहा है तुम्हारा नाम, लेकिन मैं अभी तक ये पता नहीं कर पाया कि ये कौन है और किससे मिलने के लिए आया है। जनको को देखकर जिन आकर उसको हक कर लेता है और कहता है, जनको तुम आ गए हो, मुझे लगा तुम अभी तक सो रहे होंगे। अपनी ह्यून की शादी में इतनी लेट करके कौन आते हैं? तुम तो जानती हो, तुम्हारे अलावा मेरे और कोई नहीं है। और त्यांग, तुम कब आए हो और काम करना भी शुरू कर दिया, तुमने हमसे मिला क्यों नहीं? त्यांग कहता है, हाँ वो मैं काम देखकर इतना बिजी हो गया कि मुझे लगा बाद में मिल लूँगा। तो आरे में ह्यून कहाँ है और ये कौन है? इससे मैंने पहले नहीं देखा है। तो जंकू कहता है, क्या मतलब कि इसे मैंने पहले नहीं देखा है? मैंने भी तुम्हें नहीं देखा है, तुम कौन हो? ये कौन है यूं? तो जिन कहता है, रुको रुको, मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है किम त्योंग, आर्यम की छोटे भाई, और ये है जियोन जंगुक, मेरे छोटे भाई। और आर्यम और मैं साथ में रहते हैं, 2 साल हो चुके हैं, और तुम दोनों को मिलना नहीं हुआ क्योंकि हम दोनों ने अचानक शादी की फैसला कर लिया इससे पहले कि हमारी फैमिली मेम्बर्स साथ में मिल पाते। और ऐसे भी तुम दोनों के अलावा और कोई है भी नहीं हमारा। तो जंकू कहता है, आप सैड बातें मत कीजिए, चलिए शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है क्या? जिमिन कहता है, अब आए हो शादी की तैयारी के बारे में पूछने के लिए? त्यांग ने तो शादी की तैयारी भी कर चुके हैं और अब जाकर तुम पूछ रहे हो, अब तक कहाँ थे तुम? जंकू अब कहता है, वो अगर शादी की तैयारियां कर ही चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि शादी की तैयारियां पूरी तरह से हुआ या नहीं। जनकुक अब बहुत ही ज़्यादा नॉटी वे से कहता है, और मैं जिसने इन शादी की तैयारियां पूरी कर चुके हैं उसको भी चेक कर लूँगा। वो तो जिमिन कहता है, उससे दूर रहना। जिन जिमिन की तरफ देख कर कहता है, हाँ ठीक है, तुम दोनों जाकर काम कर लो और जंगुक तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगुक कहता है, क्या हुआ, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिमिन अब त्यांग के साथ चले जाते हैं शादी की तैयारियों में, और यहाँ पर त्यांग जंगुक को दोबारा मुड़कर देखते हैं। जंगुक भी त्यांग को देखे जा रहा था। जिन जंगुक को अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं, जंगुक वो दोनों पहले से ही साथ में हैं और जिमिन त्यांग को पसंद करता है। तो जनकू कहता है, मुझे क्यों बोल रहे हो? जिन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी शक्ल पर वो देख लिया है जो किसी ने नहीं देखा है। तुम जिसको भी पसंद कर लेते हो ना, अपना बनाकर ही रहते हो, तो अब मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, त्यांग के ऊपर ही ट्रे मत करना। त्यांग तुमसे बहुत अलग है, तुम दोनों कभी भी साथ में नहीं रह सकते हो। जनकू कहता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हो यूं? वैसे भी उस बैम प्यार से मुझे प्यार नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं तो बस उसको ऐसे ही देख रहा था क्योंकि उसने शादी की तैयारियाँ बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया है, मुझे अच्छा लगा और कुछ नहीं। और आप बोल रहे हो कि जिमिन उसे पसंद करता है, वो मुची जैसे शक्ल वाले इंसान, और त्यांग, क्या त्यांग उसको पसंद नहीं करते हैं? लेकिन जिमिन ने तो मुझसे कहा था वो दोनों साथ में हैं, लिविंग में रहता है, क्या यह सच है? जिन कहता है, क्या वो दोनों लिविंग में रहता है, ये किसने कहा? तो जनकू कहता है, इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। जिन कहता है, हाँ जिमिन उसको पसंद करता है, लेकिन त्यांग उसको पसंद करता है या नहीं ये मुझे अभी तक नहीं पता चला, लेकिन त्यांग तुमसे बहुत अलग है। जनकू उसको परेशान मत करना, उसे दूर रहना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी शादी पर आए हो और मेरी शादी को एंजॉय करना हो कि उसके बाद तुम वापस US जाने वाले हो,
जंगू कहता, हाँ मुझे पता है, वैसे भी मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ। आप कहते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। अरे माँ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ जिन, तुमने जनकुक से क्या कहा कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं? जनकुक, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक हमारी शादी ख़त्म नहीं हो जाएगा, और शादी ख़त्म हो जाने के बाद भी तुम यहाँ पर ही रहोगे क्योंकि हम फैमिली है, तो फिर तुम अलग कैसे रह सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। जनकुक कहता है, अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और जनकुक मन में कहता है, उसने मुझसे झूठ कहा, अब तो मैं कैसे भी करके उस वैम्पायर को अपना बना कर ही रहूँगा। मुझे वो वैम्पायर पसंद आ गया और मैं उसको किसी और का नहीं होने दूँगा। ह्यूंग चाहे मुझे कितना ही वार्निंग क्यों ना दे, लेकिन मुझे वो पसंद है। आई लाइक इट। और वो डेबिल सा स्माइल देते हैं। यहाँ पर तियांग वो शादी की तैयारी में भी जनकुक को घूरे जा रहे थे, बार बार उसी को ही देखे जा रहा था। जिमिन नोटिस करते हैं कि तियांग भी जनकुक को देखे जा रहे हैं और जनकुक भी तियांग को ही देखे जा रहे हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पर जिमिन को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं। वो तियांग को अपनी तरफ मुड़कर कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम अपने काम में ध्यान नहीं लगा रहे हो? कुछ देर बाद शादी होने वाले है, क्या तुमने सब कुछ चेक कर लिया? तियांग कहता है, अचानक क्या हो गया तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिमिन, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम उस लड़के से दूर रहना। तियांग कहता है, कौन सी लड़के और किसकी बात कर रहे हो तुम? तो जिमिन कहता है, मैं उस जॉनकू की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा नहीं है। उसने क्या कहा तुम्हें पता है? उसने तुम्हें वैम्पायर कहा और वो कहता है तुम वैम्पायर जैसे दिखते हो, और भी बहुत कुछ कहा है जो मैं तुमसे नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसे भी जिन ह्यूंग की शादी आरिम ह्यूंग से होने वाले हैं। जिन ह्यूंग तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जनकुक उनसे बहुत ही अलग है। तियांग कहता है, ये ज़रूरी नहीं है, वो दोनों भाई है इसलिए उन दोनों की नेचर भी एक ही होंगे। जिमिन, तुम देख नहीं सकते हो क्या, आरिम ह्यूंग और मैं बहुत ही अलग है। हाँ ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और मैं भी, लेकिन हम दोनों की नेचर बिल्कुल भी एक नहीं है। वैसे ही जिन ह्यूंग और उनके ब्रदर भी अलग ही होंगे, इससे इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? जिमिन तियांग से कहता है, लेकिन उसने तुम्हें वैम्पायर कहा है। तो तियांग कहता है, उसने मुझे वैम्पायर कहा तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब चलो भी, और जिमिन को अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर शादी हो जाने के बाद रात के टाइम है और आरिम और जिन अपने कमरे में था। उन दोनों की आज फर्स्ट नाइट है। आरिम जिन से कहता है, शादी की तैयारियाँ बहुत ही अच्छे से हो गया और हम दोनों की शादी बहुत ही अच्छे से हुए। जिन, क्या तुम खुश हो ना? जिन कहता है, तियांग के लिए ये सब कुछ हो पाया, वरना जनकुक तो इतनी लेट करके आए है, उसके भरोसे रहते तो शादी कभी नहीं हो पाता। आरिम कहता है, ऐसा मत कहो। हाँ ठीक है, तियांग ने सब कुछ कर लिया, लेकिन जनकुक यहाँ पर आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जनकुक को कुछ मत कहना। तो जिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि तियांग और जनकुक एक दूसरे को पसंद करें और उन दोनों की भी शादी हो जाए, है ना? लेकिन मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों जैसे वो दोनों भी शादी कर लें और एक ही घर में। इससे अगर हम दोनों की रिश्ते में, तो आरिम कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो? और आरिम जिन की होठों पर किस कर लेते हैं। यहाँ पर तियांग जनकुक से टकरा जाते हैं। तियांग पानी पीने के लिए आया था। जनकुक तियांग को देखकर उसको देखते ही रह जाते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या तुमने किसी वैम्पायर को देख लिया है क्या? तियांग जानबूझकर उसको टर्न करते हैं। जनकुक वो अचानक शॉक हो जाते हैं कि उसको कैसे पता चला कि मैंने उसको वैम्पायर कहा। फिर उसको याद आया कि शायद जिमिन ने उसको कह दिया होगा। जनकुक समझ आता है आखिर जिमिन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनकुक तियांग से कहता है, हाँ तुम वैम्पायर तो लगते हो, लेकिन हैंडसम वाला, तुम बहुत ही हैंडसम हो, और मैंने इतना हैंडसम वैम्पायर आज तक नहीं देखा है अपनी पूरी लाइफ पर। तियांग जनकुक को देखकर कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन दोबारा से मुझे वैम्पायर कहने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। वैम्पायर क्या कर सकते हैं तुम जानते हो ना? जनकुक तियांग से कहता है, मुझे नहीं पता वैम्पायर क्या करते हैं। तो तियांग जनकुक के नज़दीक आ जाते हैं, जितना तियांग जनकुक के नज़दीक आ रहा था, जनकुक पीछे जा रहे थे। अचानक तियांग की आंखें लाल हो जाते हैं। तियांग को गुस्सा आ रहा था, जनकुक ने उसको वैम्पायर कहा और वो अब देखना चाहता है कि वैम्पायर क्या कर सकते हैं। तो ठीक है,
त्यांग ने भी सोच लिया, वो जनकुक को इतना डराएगा कि जिंदगी भर उसको वैम्पायर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद त्यांग उसके और कुले चले जाते हैं। त्यांग को अपनी इतनी कुलज आते हुए देखकर जनकुक बहुत ही डर जाते हैं। वो त्यांग से दूर जाता रहा और त्यांग जनकुक के नज़दीक आते रहे। जनकुक दीवार के साथ टकरा गए तो जनकुक को त्यांग अपने दोनों हाथों से झकड़ लिया ताकि जनकुक त्यांग के हाथों से छूट ना सके। जनकुक त्यांग की आंखों पर देख रहा था। त्यांग की आंखों पर गुस्सा था और उसकी आंखें रेड हो चुके थे। त्यांग जनकुक को देखकर कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जनकुक अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं और त्यांग जनकुक को कहता है, क्या हुआ, तुमने अपनी आंखों को और क्यों बड़ी कर लिया? कहीं उसको बाहर मत निकल देना। जनकुक त्यांग को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे नज़दीक आ जाओगे तो मैं डर जाऊँगा क्या? त्यांग कहता है, तो ये बात है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जनकुक कहता है, तुम क्या करने वाले हो? त्यांग जनकुक के मुंह पर अपने हाथ को रख देता है और एक हाथ से जनकुक के दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है। जनकुक मन में कहता है, उसने मेरे होठों पर हाथ रख दिया, इसका मतलब वो तो मुझे किस नहीं करने वाले हैं, तो वो क्या करना चाहता है और इतने क्लोज क्यों आ गए हैं, आखिर उसकी इरादा क्या है? जैसे ही जनकुक की सोच खत्म होते हैं, त्यांग जनकुक की गर्दन पर बहुत ही जोर से बाइट कर लेता है। जनकुक दर्द के मारे कतराना शुरू करता है लेकिन त्यांग उसको नहीं छोड़ता है, उसको लगातार बाइट किए जा रहा था। वो कंटिन्यूसली उसको बाइट करने की वजह से जनकुक की गर्दन से खून निकालना शुरू हो जाता है। त्यांग उसके बाद जनकुक को छोड़ते हैं। बहुत देर तक ऐसा करने की वजह से जनकुक को पेन होने लगता है। जनकुक जैसे ही अपने गर्दन में हाथ डालते हैं ना त्यांग उसको छोड़ने के बाद, वो देखता है कि उसकी हैंड में खून आ गया। खून को देखते हुए जनकुक त्यांग से कहता है, पागल हो गए हो क्या? क्या तुम सच में वैम्पायर हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में खून पीते हो। त्यांग जनकुक से कहता है, इसके बाद तुम याद रखोगे किसी को वैम्पायर बोलने से पहले। तो जनकुक कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? उसी ने तो कहा था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और तुम दोनों लिविंग में रहते हो। त्यांग कहता है, क्या ऐसा जिमिन ने कहा? तो जनकुक कहता है, हाँ और नहीं तो क्या। त्यांग कहता है, अगर जिमिन ने ऐसा कहा भी होगा तो तुम्हें मुझे वैम्पायर बोलने की मैं समझा नहीं। जनकुक कहता है, तो मैं और क्या करता, तुम मुझे पसंद आ गए थे पहली नज़र में ही, तो मैं तुम्हें देख रहा था, उसने ये नोटिस किया और मुझसे आकर झूठ कहा, मैंने पकड़ लिया, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें वैम्पायर कहा ताकि उसको बुरा लगे और वो सच कह दे, लेकिन उसने मुझसे नहीं कहा, तो तुम मुझे इस तरह से खून पीने वाले हो क्या मेरा? तो त्यांग कहता है, तुम्हें मुझे वैम्पायर नहीं कहना चाहिए था, लो अब मैंने वैम्पायर जैसे हरकतें कर दिया है, अब कैसा लग रहा है? जनकुक कहता है, मुझे तो अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आया। त्यांग कहता है, क्या मैं उसको डराने के लिए सबक सिखाने के लिए ऐसा किया लेकिन उसको अच्छा लगा और वो मुझे पसंद करता है, वो पागल हो गया है। त्यांग जनकुक को छोड़कर जा रहा था। जनकुक त्यांग को कहता है, कहाँ जा रहे हो? याद रखना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। त्यांग कहता है, ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, समझ गए, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, तुम और मैं बहुत ही अलग है। जनकुक कहता है, हाँ मुझे जिन ह्यूंग ने भी कहा है लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे लगता है दो अपोजिट पर्सन अगर एक दूसरे को पसंद करता है ना तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, इससे लाइफ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, त्यांग मुझसे डेट करके देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। त्यांग कहता है, क्या बकवास है, आज हम दोनों पहली बार मिले हैं और हमारी बात भी नहीं हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो जनकुक, मुझे लगता है तुम्हें शांत रहना चाहिए। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को जैसे आर्यम और जिन सब लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, आर्यम जनकुक के गले पर निशान देकर कहता है, तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? ए टीथ की निशान है ना, यहाँ पर बाइट किसने किया? जिन कहता है, हाँ आर्यम ने सही कहा जनकुक, क्या हुआ यहाँ पर, और तुम कल जब आए थे यहाँ पर तो कोई निशान नहीं था, तो ये किसने किया होगा? और तुम कहाँ गए थे, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गए थे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे कहा नहीं। जनकुक कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है, और ऐसे भी ये निशान कैसे बने मैं भी नहीं जानता हूँ,
शायद किसी वैम्पायर ने काट लिया होगा। त्यांग वो खांसने लगते हैं। आर्यमो जिनकी ध्यान त्यांग पर आ जाते हैं। त्यांग अब जनको को घूरे जा रहा था। जनको कहता है शायद वैम्पायर को खांसी आ गया। तो जिन कहता है जनको एक कैसी मजाक है, और तुम त्यांग को वैम्पायर बोल रहे हो क्या? मैंने तुमसे कहा था उसके साथ ऐसी मजाक ना करने के लिए। त्यांग बहुत ही कूल नेचर का है, उसको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं और वो शांत रहता है, उसे दूर रहा करो तुम। और हाँ, चुपचाप अपना खाना खाओ। पता नहीं जनको तुम कहाँ कहाँ जाते हो और किसके साथ चलते हो, और तुम यहाँ आने के बाद रात को कहीं पर गए थे क्या? तुम कौन सी वैम्पायर के पास जाकर अपने गले पर निशान बना लिया? कल शादी की फासनेट हम दोनों के थे, लेकिन गले पर निशान तुम्हारा है। जनको कहता है अब मैं क्या करता अगर उस वैम्पायर ने मुझे काट लिया, तो मुझे इसमें क्या गलती है? तो आर्यम जिनकी यार के पास जाकर उस पर करके कहता है तुम्हें नहीं लगता है ये वैम्पायर कोई और नहीं है, ये त्यांग है। जिन कहता है आर्यम तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, त्यांग ऐसा नहीं कर सकता है। आर्यम कहता है जिन तुम ही खुद ही सोचो। यहाँ पर जनकुक ने क्या कहा, किसी वैम्पायर ने काट लिया, और जैसे ही त्यांग ने खासा उसने क्या कहा? तो जिन वो सोच में पड़ जाता है और त्यांग की तरफ देखता है। त्यांग जनकुक को ही घूरे जा रहा था और जनकुक भी त्यांग को ही देखे जा रहे थे और उसको आँख मारते हैं। जिन इस सब कुछ नोटिस करता है और कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, कहीं वो दोनों एक दूसरे को? तो आर्यन कहता है अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे बहुत ही खुशी होंगी। जिन कहता है लेकिन मुझे डर लगता है अगर त्यांग और जनकुक साथ में खुश नहीं रह पाया तो। आर्यन कहता है किसने कहा वो दोनों साथ में खुश नहीं रह पाएगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, देखो उन दोनों को एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। जनकुक वह त्यांग को देखकर स्माइल करते हैं और उसको एक फ्लाइंग किस देते हैं। त्यांग जनकुक को देखकर शॉक हो जाता है, वो क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? जैसे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाते हैं, त्यांग जनकुक की हैंड पकड़कर उसको अपने रूम में लेकर जाते हैं। जनकुक वो त्यांग से कहता है क्या हुआ, अब तुम क्या करने वाले हो, क्या दोबारा से बाइट करना चाहते हो, तो ठीक है कहाँ करने वाले हो तुम? त्यांग कहता है तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है क्या, तुम नहीं जानते हो क्या तुम्हारी ह्यूंग और मेरी ह्यूंग ने शादी कर लिया, वो दोनों साथ में बहुत ही खुश है, और तुम यहाँ पर आकर ये सब कुछ क्या मजाक लगा के रखा है? जनकुक कहता है तो इसे क्या कहना चाहते हो तुम, वो दोनों साथ में खुश है तो हम दोनों भी साथ में खुश रह सकते हैं ना त्यांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद हम दोनों भी साथ में खुश रहेंगे। त्यांग कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम और मैं कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा नेचर और मेरा नेचर बहुत ही अलग है, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं, और जितना मैंने देखा है तुम बातें करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो, तुम्हें ऐसी कोई इंसान चाहिए जो तुम्हारी बातों को सुन भी सके और तुमसे बात भी कर सके, लेकिन मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं, तो तुम मेरे साथ खुश कैसे रह सकते हो? जनको कहता है किसने कहा, जिसको बात करना पसंद हो ना वो दूसरी इंसान को ऐसे ढूंढते हैं जो बात कम करता हो ताकि मेरी बातें सुन सके, और तुम कम बातें करते हो, मैं ज़्यादा बातें करता हूँ, तो हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं, तुम मेरी बातों को सुनना और मैं बातें करता रहूँगा। त्यांग कहता है तुम पागल हो गए हो, जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जनकुक त्यांग को डायरेक्टली हक कर लेता है और कहता है मैं नहीं जाऊँगा। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो जनकुक, छोड़ो मुझे। जनकुक त्यांग को और भी टाइटली पकड़ लेते हैं। त्यांग कहता है पागल हो गए हो क्या? जनकुक कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मुझे वैम्पायर से मोहब्बत हो गया है, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, तुमसे शादी किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। त्यांग कहता है लेकिन मैं और तुम कभी साथ में खुश नहीं रह पाएंगे, मेरी बातों को समझो। जनकुक को गुस्सा आ जाता है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि त्यांग और जनकुक साथ में खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो त्यांग को बेड पर धकेल देते हैं। त्यांग बेड पर बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, कोई आ जाएगा, जाओ यहाँ से, कोई इस तरह से देख लेगा तो गलत सोचेगा। जनकुक अब त्यांग की लैंप पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं देखने दो मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूँ, तुम पर से मेरा हक है। त्यांग कहता है क्या? तो जनकुक कहता है मुझे बैम प्यार से मोहब्बत हो गया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जैसे ही जनकुक ने कहा कि वो त्यांग से प्यार करता है और वो त्यांग की लैंप पर बैठा हुआ था, तो त्यांग गर्मी फील कर रहा था। त्यांग अब खुद को नहीं रोक पाते हैं और जनकुक की होठों पर किस कर लेते हैं, और ये किस जो है बहुत ही डीप होते जा रहे थे। दोपहर हो चुके थे, त्यांग और जनकुक बाहर नहीं आ रहे थे, तो आर्यमो जिन उन दोनों को ढूंढ रहा था साथ में लंच करने के लिए,
उन दोनों को ढूंढते ढूंढते तियांग के रूम में आ जाते हैं और इन दोनों को साथ में ब्लैंकेट के नीचे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर साथ में क्या कर रहे हो? तियांग वो कुछ नहीं बोलते हैं। जन को कहता है, मुझे वैम्पायर से मोहब्बत हो गया है ह्यूंग, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जिन कहता है, क्या? और तियांग तुम भी? तो तियांग वो और कुछ नहीं कहता है, वो चुप करके जंगकुक की तरफ देख रहा था। आरएम कहता है, क्या तुम अभी भी सोचना चाहोगे इन दोनों के बारे में? जिन जिन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तियांग को जंगकुक पसंद आ जाएगा। तियांग, क्या तुम सच में जंगकुक को पसंद करते हो? तियांग अपना सर हिलाता है। तो जंगकुक भी तियांग से कहता है, तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन तुमने मुझे कहा नहीं। तियांग जंगकुक से कहता है, हाँ तुम मुझे पसंद हो, मैंने उस दिन ही तुम्हें पसंद कर लिया था जब तुम मुझे देख रहे थे। मैं भी तुम्हें देख रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों साथ में खुश रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि तुम और मैं बहुत ही अलग है। लेकिन मुझे लगता है तुमने सही कहा, दोनों पर्सन को अलग होना चाहिए, इसमें लाइफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो फिर आर्यम और जिन तियांग और जंगकुक को कहता है, तुम दोनों बाहर आ जाओ, साथ में बात करते हैं। तो आप जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, जंगकुक तियांग को कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तियांग बिना कुछ बोले ही जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ही देन करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर वैम्पायर के साथ शादी देखना चाहते हो तो और एक वन शॉट की इंतज़ार करना, ठीक है? और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, टाटा।